Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discussed about the histogram and its techniques. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि आप histogram को implement कैसे कर सकते हो और उसमें से information कैसे extract कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको previous video में काफी detail में clear कराई थी दोस्तों। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने बैक प्रोजेक्शन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि बैक प्रोजेक्शन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मैं किसी भी इमेज में से उसका बैकग्राउंड माइनस करने वाला हूं या रिमूव करने वाला हूं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं हिस्टोग्राम टेक्निक की हेल्प लूंगा अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। सो गाइस, दिस इज माय आईडी स्पाइडर। मैं यहाँ पर एक कोड लिखने वाला हूँ, इस कोड से आप लोग फैमिलियर हो। मैंने एक इमेज को सिर्फ यहाँ पर लोड कराया है, रिसाइज करके आपको शो कराया है। इसे ऑपरेट करता हूँ और ये रही मेरी इमेज। अगर आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा तो ये ग्रीन स्क्रीन है। मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो थॉर है, थॉर को मैं ग्रीन स्क्रीन से बाहर निकालने वाला हूँ। इस ग्रीन स्क्रीन को मैं टोटली रिमूव करने के लिए ट्राई करूंगा। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने इस इमेज को लोड करा लिया है। लोड कराने के बाद मैं सिंपली से HSV में कन्वर्ट करूंगा। HSV में कन्वर्ट करने का रीजन यही है क्योंकि मुझे कलर इंटेंसिटी के बेसिस पे बैकग्राउंड माइनस करना है और HSV से ज्यादा अच्छी कलर इंटेंसिटी और कोई भी कलर स्पेस नहीं दे सकता है। तो मेरी जो ओरिजिनल इमेज थी गाइस, उसका मैंने कलर इंटेंसिटी निकालने के लिए उसे HSV में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में सेव करा लिया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये तो बात हुई आपकी ओरिजिनल इमेज की, बट आपको माइनस क्या करना है, इसमें से बैकग्राउंड माइनस करना है। और बैकग्राउंड के लिए आपको डेटा चाहिए कि बैकग्राउंड होता कैसा है, मतलब जिस भी इमेज का बैकग्राउंड माइनस करना है तो उसके बैकग्राउंड की आपको कुछ ना कुछ डिटेल चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उस इमेज के पास जाओगे जो इमेज आपको ऑपरेट करानी है। तो जैसे कि इस फोल्डर में मेरी ये वाली इमेज है, इसे मैं ओपन करूंगा गाइस। ओपन करने के बाद सिंपली इसमें से वो पोर्शन क्रॉप कर लूंगा जिसमें से जो कि इसका बैकग्राउंड है। तो मैंने क्रॉप पे क्लिक करा और क्रॉप पे क्लिक करने के बाद इसमें से मैं सिंपल ये ट्राई करूंगा कि जो कि मेरा ये जो बैकग्राउंड है जो कि ग्रीन कलर का है, आप लोगों को दिख रहा होगा जो मैं आप लोगों के लिए परफॉर्म करा रहा हूं। मैंने प्रॉपर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड यहां से सेलेक्ट कर लिया है। ये पोर्शन मुझे डिलीट करना है और सेव अ कॉपी, इसकी एक कॉपी यहां सेव करा लूंगा किसी भी नाम से इसी लोकेशन पे, या फिर आप किसी और लोकेशन पे भी करा सकते हो। तो मैं इसका नाम रख दूंगा जी, या फिर आप जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मैंने अभी के लिए इसका नाम रखा है जी और इसे सेव करा दिया है। सो गाइस, मेरा ये एलिमेंट आ गया है ग्रीन कलर का। अगर आपको दिख रहा होगा मैंने g.jpg नाम की इमेज में इसे सेव करा लिया है क्रॉप करके। इसे भी बंद कर देते हैं और इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। वापस से यहाँ पर आ जाते हैं, जो अभी आपने क्रॉप करा है उसे मैं यहाँ पर गेट करूंगा और उसे भी मैं सिंपल HSV में कन्वर्ट कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ। सिंपल एक इमेज है, वो भी तो इमेज को लोड कराने के लिए मैंने ROI रीजन ऑफ इंटरेस्ट ROI नाम का एक वेरिएबल लिया और g.jpg को, जो कि मेरा एक ROI रीजन था, जो भी मुझे डिटेक्ट कराना है उसका एक एलिमेंट था और उसे ही सब्ट्रैक्ट कराऊंगा मैं। मैंने इस इमेज में से बैकग्राउंड का एक पोर्शन लिया, उसे एक वेरिएबल में सेव करा लिया है एंड आफ्टर दैट कन्वर्टेड इट इनटू अ HSV वैल्यू। अब मैं इस HSV रेंज को इस HSV रेंज से माइनस कर दूंगा और मेरा जो बैकग्राउंड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो भी मैंने बोला ये मैं परफॉर्म कैसे करा सकता हूँ दोस्तों, आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। मुझे दो फंक्शन की हेल्प लेनी है यहाँ पर और यही मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस पूरी वीडियो का। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इतना काम तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये क्या है आपका ROI ऑफ सेकेंड इमेज, ROI ऑफ सेकेंड इमेज मैंने आप लोगों के लिए मैसेज डाल दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शन करने वाला हूँ। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर सिंपली आपके हिस्टोग्राम की हेल्प से ROI करा है। तो देखते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीजें। जो भी समझना है आपको इसी लाइन में समझना है। मैंने एक वेरिएबल बनाया दोस्तों, इस वेरिएबल में मैंने कुछ टास्क परफॉर्म कराए। मैंने क्या बोला कि इस वेरिएबल में मैं एक हिस्टोग्राम कैलकुलेट करूंगा, कौन सी इमेज का करूंगा, इस वाली इमेज का, सेकेंड इमेज का, जो कि आपका एलिमेंट है बैकग्राउंड का, ROI वाली पार्ट का। तो जो ROI का मैंने HSV बनाया था, इसका मैंने एक हिस्टोग्राम बना लिया है। आपको दिख रहा होगा कि जो भी HSV था मैंने यहाँ पर पास करा, ये मेरा कलर स्पेस है। मैंने 1 इसलिए पास करा क्योंकि मेरी कलरफुल इमेज थी, कोई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज नहीं थी, अदरवाइज मैं 0 पास करता। कोई मास्क नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नन पास करा है। यह है मेरा हिस्ट साइज कि आपका जो हिस्टोग्राम का साइज होगा वो क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूँ 180 से 256 तक होगा एंड दिस इज योर हिस्टोग्राम रेंज कि आपका एक्स एक्सिस में 0 to 180 एंड वाई एक्सिस में 0 to 256। इस तरीके से मैंने ये चीजें फिक्स कर ली है।
जब मेरा ROI हिस्ट निकल गया, जो मेरा ये टारगेट इमेज था जो कि मुझे रिमूव करना था, उसका मैंने जो हिस्टोग्राम बनाने के बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक मास्क क्रिएट करूंगा, और उसके लिए मैं एक फंक्शन की हेल्प लेने वाला हूं जिसका नाम है कॉल बैक प्रोजेक्ट। यही फंक्शन आपकी हेल्प करेगा आपके इमेज में से बैकग्राउंड को माइनस करने के लिए। अब ये मास्क क्या करेगा दोस्तों, इसकी वर्किंग अच्छे से समझिए कि जो भी आपका ये कॉल बैक प्रोजेक्ट था, इसमें आपने अपनी ओरिजिनल इमेज का HSV वाला पार्ट पास कर दिया, मतलब जो भी आपने ओरिजिनल इमेज का HSV बनाया था वो पास कर दिया है। पास करने के बाद आप इसे क्या बोल रहे हो कि उसका जो ये अपने चैनल्स पास करे, तो इसका भी आप बता रहे हो कि दो चैनल की इमेज है आपके, 0 और 1। आफ्टर दैट आप जो बोल रहे हो कि इसका जो हिस्ट साइज होगा, ये आपको दिख रहा है कि मैंने क्या लिखा है ROI हिस्ट, मतलब कि ये जो आपने इसका हिस्टोग्राम कैलकुलेट करा है, आप इस हिस्टोग्राम को यहाँ पर पास कर दोगे। ये सिंपली इसकी हेल्प से आपके डेटा को रिमूव करता रहेगा, और दिस इज योर रेंज, और 1 आपका एक एडिशनल पैरामीटर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस वे में पास करा है, ये आपकी इमेज को मेंटेन करेगा। तो इतना काम आपका हो गया है, आपने इसका ROI निकाला है और इसमें से इसे माइनस करा है, ये प्रॉपर एक मास्क आप लोगों ने बना के रेडी कर लिया है दोस्तों। सो गाइस, ये था आपका स्टेप नंबर सेकंड। इसके बाद आता है आपका नॉइस फिल्टरिंग, और ये आपका लास्ट स्टेप होगा गाइस नॉइस फिल्टरिंग का। तो इसमें मैं थ्रेशोल्ड फिक्स करूंगा और नॉइस को फिल्टर करूंगा, मतलब जो भी नॉइस अगर वहां पर बच गई तो उसे कैसे फिल्टर कर सकते हैं, तो इसकी हेल्प से करोगे आप। आपने कर्नल बनाया है स्ट्रक्चरल एलिमेंट की हेल्प से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसको आप अपनी इमेज के ऊपर होवर कराते हो और अगर वो मैच हो जाते हो तो आप उसे रिमूव कर देते हो। तो आपने कर्नल यहाँ पर क्रिएट कर लिया है दोस्तों विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, और इसका जो आपने मेथड यूज करा है वो आपने क्या यूज करा है, मॉर्फ अंडरस्कोर इलिप्स, और ये है आपका कर्नल साइज, ये प्री डिफाइंड है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको यही वाला यूज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपने 2D फिल्टर की हेल्प से अपने मास्क को और कर्नल की हेल्प से आपने जितनी भी नॉइज थी वो रिमूव करा दी, और रिमूव करने के बाद आपने प्रॉपर एक थ्रेशोल्ड डिटेक्ट करा है। थ्रेशोल्ड का आपने जो लिमिट दिया है वो क्या दिया है कि जो आपका मास्क है वो पास होगा, एक्चुअल में ये मास्क यहाँ पर पास हुआ है, और इसे सॉल्व करने के बाद नॉइज रिमूव करने के बाद जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पर पास होगा। इसमें से आपने क्या बोला है कि जो लोअर लिमिट होगी वो 200 होगी और जो अपर लिमिट है वो 255 है, और आप जो परफॉर्म कराने वाले हो वो है थ्रेश बाइनरी। ये था आपका लास्ट आउटपुट गाइस, और इसके बाद हम जो भी करेंगे उससे आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी। तो इसके बाद आपको 2 स्टेप और करने हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी आपका मास्क बना है आप उसे मर्ज करोगे एक दूसरे के साथ, मतलब कि जितना भी फिल्ट्रेशन हो सकता है वो यहाँ पर परफॉर्म होगा। आपने 3 बार पास करा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं है गाइस, आप एक ही इमेज को एक दूसरे के साथ मास्क परफॉर्म करा रहे हो कि जो आपकी इमेज की पिक्सल वैल्यू है वो प्रॉपरली फिल्टर हो जाए, तो इसीलिए आपने यहाँ पर टोटल 3 टाइम्स इसे पास करा है, मतलब आप एक दूसरे से उसे मर्ज करा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, कि सो दैट आपकी जो पिक्सल वैल्यू है प्रॉपरली फिल्टर हो जाए। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा गाइस वो क्या आएगा, जो भी आपका ये मास्क आया है, जो भी आपने पिक्सल वैल्यू को डिटेक्ट कर लिया है, एक फिल्टर क्रिएट कर लिया है, उस फिल्टर में से आप अपनी ओरिजिनल इमेज के कलर को पास कर दोगे, मतलब जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वो आपने फिल्टर में यहाँ पर बना दिया है इसकी हेल्प से, और इसमें से आप क्या करोगे ओरिजिनल इमेज को पास करोगे। उसके लिए मैंने क्या यूज करा, बिटवाइज और। तो ये गाइस यहाँ पर आपका कोड खत्म होता है, मैं जितनी भी चीजें यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ओरिजिनल इमेज तो आप लोगों ने प्रिंट ही करा ली है, मैं लास्ट में आपको मास्क प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि आपका मास्क क्या बना है, उसके बाद आपका रिजल्ट प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया है, एंड अगर आपको ROI देखना है कि ओरिजिनल का आपको ROI देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। तो चलो देख लेते हैं वो भी हम, ये रहा ओके। तो ये है आपका HSV ओरिजिनल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HSV ओरिजिनल, ये आपकी इस इमेज का नाम है, तो इसको भी मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है वो, और जो आपकी ओरिजिनल इमेज आई है वो। तो इसे ऑपरेट कराते हैं और देखते हैं आपका आउटपुट क्या आने वाला है। तो गाइस ये थी आपकी ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल इमेज के बाद आपने दोस्तों क्या करा था, मास्क क्रिएट कर लिया था। तो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इतना सब कुछ करने के बाद आपने सीधा मास्क क्रिएट करा था, बट उससे पहले आपने HSV में भी कन्वर्ट करा था। तो चलो HSV वाली इमेज देख लेते हैं, कहाँ है आपकी HSV वाली इमेज, इस तरफ है। तो ओरिजिनल के बाद आपने क्या करा था, इसका HSV स्पेस बनाया था, तो ये है उसका HSV स्पेस, इसे बंद कर देते हैं, इसकी बारी आई। अब इसके रिस्पेक्ट में आपने क्या करा था, इसका मास्किंग करा था। तो मास्किंग में आपको क्या मिला, कुछ इस तरीके की डिटेल मिली, मतलब आपने सिर्फ बस जो हाई सेचुरेशन वैल्यू थी उसका मास्क क्रिएट कर लिया है। कैसे क्रिएट हुआ था आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ, आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। आपने कर्नल डिटेक्ट करा था, कर्नल डिटेक्ट करने के बाद उसे नॉइज रिमूव करा था, नॉइज रिमूव करने के बाद
आपने एक थ्रेशोल्ड लगा दी थी, इस थ्रेशोल्ड की हेल्प से आपने ये सारे के सारे वैल्यू डिटेक्ट करी। डिटेक्ट करने के बाद गाइस आपने को क्या करना था कि ये जो जितने भी यहाँ पर बैकग्राउंड में ग्रीन कलर के पिक्सल्स हैं उनको आपको फिल्टर करना था, तो आपने 3 बार उसे मर्ज कर दिया इमेज को, तो एक प्रॉपर फिल्टर जनरेट हो गया। और इसमें से आपने क्या करा, ये वाली वैल्यूज पास कर दी बस, मतलब जो ये थॉर का जो ये पोर्शन था आपने इस फिल्टर में से उसे पास कर दिया है। ये चीज आपने कहाँ करी, ये चीज आपने यहाँ पर करी है लाइक दिस, ओके, बिटवाइज और के साथ। तो जब आप ये परफॉर्म कराओगे तो आपकी ओरिजिनल इमेज और मास्क में से जो भी वैल्यूज बचेंगी वो बाहर आ जाएंगी, और वो जो वैल्यू बच रही थी वो आपका सिंपल एक थॉर की इमेज थी। ये देखो आप लोग, तो इतना प्रॉपरली तो नहीं हो पाया गाइस, बट हाँ जितना हो सकता था उतना अच्छा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने इमेज में से बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब यह आपका काम है कि आप इसके पैरामीटर्स को कैसे ट्यून करते हो। अगर आप इसके पैरामीटर्स को अच्छे से ट्यून कर दोगे, लाइक इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू और आपका जो इसका ये मास्किंग हुई है, ये सारी की सारी चीजें, तो यार आपके रिजल्ट और भी बेटर आ सकते हैं। तो यार मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, ये आप लोगों का टास्क है। आप इसके पैरामीटर ट्यून करिए और मुझे फिर से ये कोड कमेंट में आप लोग रिवर्ट करिए, तो मैं चेक करके बताऊंगा आपने सही करा या नहीं करा है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी सारी चीजें मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप कर्नल कैसे क्रिएट कर सकते हो, बस इसमें जो नया था वो ये मेथड था, और इस मेथड में भी कुछ भी नया नहीं है, जो एक वैल्यू नई थी वो ये है, बाकी सारी ये प्रॉपर कैल हिस्ट की तरह ही है। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार जाने से पहले वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।